दुनिया में सामरिक लिहाज से खुद को ताकतवर करने के लिए हर देश तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इस ओर बीते कुछ सालों में सबसे बड़े कदम रूस ने उठाए और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। बीते वक्त में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जहां रूस ने अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखा था, और अब ये अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स जो दुश्मन देशों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। रूस साफ तौर पर यह बताना चाह रहा है कि इस वक्त पे बात चाहे रॉकेट लॉन्चर्स की हो, युद्धक विमानों की हो, या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स या फिर टैंक्स की, उसके पास सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार है। रूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि सेना ने पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा अधिक नए विमान और हजारों टैंक बनाए हैं। सर्गेई शोइगु ने काम पर 6 साल के दौरान सेना की उपलब्धियों का दावा किया। военной техники, происходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги. В результате выполнения спланированных мероприятий доля современного вооружения к концу 2020 года будет доведена до 70%. सोमवार को सांसदों को दिए एक भाषण में उन्होंने इस बात को साफ किया कि सशस्त्र बल एक मोबाइल फोर्स में बदल गई है जो हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। रूसी सेना ने 1000 से अधिक युद्धक विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स 2012 से 2018 में बनाए हैं, और इतने ही वक्त में 3700 से अधिक टैंक भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 के अंत तक रूसी सेना के 70% तक हथियार आधुनिक होंगे। अपनी ताकत को दर्शाने के लिए रूस ने सीरिया में 2015 के बाद से अपने अभियान की भी याद दिलाई, और आने वाले समय में भी खुद को हथियारों के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतर देश बनाने का दावा किया।